जो मौलाना मदनी है वो कह रहा फवारा है। तो हम तो कह रहे हैं कि पंचर बनाने वाले जो पंचर में बुलबुले में फवारा देखते हैं, इनके अब्बा ने नहीं देखा होगा, उसके ऊपर FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। वो 1947 में अपना हिस्सा ले चुका है। मदनी और मदनी के जितने भी सुपुत्र हैं, जो अकबर अब्बा था और उनके जो सुपुत्र बच गए हैं, उनको सीधे पाकिस्तान जाना चाहिए, उनको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। जो मौलाना मदनी है वो कह रहा फवारा है। तो हम तो कह रहे हैं कि पंचर बनाने वाले जो पंचर में बुलबुले में फवारा देखते हैं, इनके अब्बा ने नहीं देखा होगा औरंगजेब ने, तो ये कौन सा फवारा की बात कर रहे हो? पंचर वाले फवारा की बात कर रहे हैं तो शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं। और बड़ा इन्होंने अपराध किया है 400 साल से, उसमें वजू के नाम पे पैर धोकर हाथ धोकर कुल्ला करके, तो उसकी सजा तो उनको मिलेगी, क्योंकि महादेव किसी को छोड़ते नहीं है, माफ भी करते हैं। कुल मिला के देखिए ये है कि जितने भी साक्षी ज्ञानवापी परिसर में मिले हैं, या चाहे वो कुतुब मीनार का मामला हो, आगरा के ताजमहल का मामला हो, चाहे जहां का भी मामला हो, हमारी हिंदू आर्मी तो कार्य कर रही है। हमारी जैसी सैकड़ों जो संस्थान है, संगठन है, वो याचिका डाल डाल के अपना काम कर रही है। हिंदू आर्मी का भी काम एक जन जागरण का है, वो जन जागरण भी कर रही है। अगर कोई याचिका डाल रहा है तो उसको बैकअप सपोर्ट देना भी हिंदू आर्मी का काम है, और वो हम देते हैं और देते रहेंगे। आपने महमूद मदनी की बात की, उन्होंने कहा जिनको हमारा मजहब नहीं पसंद है वो भारत छोड़ सकते हैं, क्या कहेंगे आप? महमूद मदनी को हिंदू आर्मी की चेतावनी है, पहली बात तो हम उसके ऊपर FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, पहली बात, क्योंकि उसने भड़काऊ भाषण दिया हुआ है। हमने जंतर मंतर में भड़काऊ भाषण नहीं दिया, तब भी हमें 2 महीना तिहाड़ में रहना पड़ा था, लेकिन महमूद मदनी ने सीधे सीधे कहा है कि जिसको हमारा मजहब पसंद नहीं है वो भारत को छोड़ दे। तो पहली बात तो ये है कि भारत उसका है ही नहीं। वो 1947 में अपना हिस्सा ले चुका है, जैसा कि वो 1991 वर्शिप एक्ट की बात कर रहा है हटाने के लिए, कि हटा दिया जाए, उसको बहाल कर दिया जाए, और उसी के तर्ज पे जो है ज्ञानवापी परिसर हमें मस्जिद चाहिए, आलमगीर मस्जिद हमें चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पहले 1947 का जो कानून बना था, जो बंटवारा कानून बना था, उसके तहत मदनी और मदनी के जितने भी सुपुत्र हैं, या इनके जो अकबर अब्बा था और उनके जो सुपुत्र बच गए हैं, उनको सीधे पाकिस्तान जाना चाहिए, उनको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना हिस्सा ले चुके हैं अगर ओरिजिनली देखेंगे तो। और वो बाई चॉइस बोल के यहाँ पे टिके हुए हैं, हमारे संसाधनों पे डाका डाल रहे हैं, और हमारे मंदिरों पे आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके सब तोड़ रखा है। और आज अगर श्री गणेश जी कह रहे हैं कि हमारे बगल में एक मंदिर है या बालाजी का मंदिर है, उसमें जो है कौन सा मस्जिद का नाम दे दिया और वहाँ कौन सा मेला लगने लगा उनका, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ गोंडा में नहीं हुआ है, ये पूरे देश में हुआ है, इवन अखंड भारत के अंदर हुआ है। तो हमारा सपना तो अखंड भारत का है, लेकिन अखंड भारत तब बनेगा जब अखंड गोंडा बनेगा, अखंड अयोध्या बनेगा, अखंड अवध बनेगा, अखंड यूपी बनेगा, अखंड भारत बनेगा। तब तो हम अखंड उस भारत का निर्माण करेंगे जो जो हमारा अफगानिस्तान से लेके और